Hey guys, welcome back to the channel and we are here with the first workout video. Hope you all are doing good and staying fit. So today's workout is going to be a chest workout. So let's head to the workout. क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन नाउ एंटी क्लॉकवाइज वर्कआउट से पहले आप रनिंग भी कर सकते हैं ताकि बॉडी सही से वार्म अप हो जाए और एक्सरसाइज में इंजरी के चांसेस कम हों. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज रेगुलर पुशअप्स. सो लेट्स हेड टू द वर्कआउट. दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. यू कैन डू 10 टू 12 रेप्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. अगर किसी से पुशअप्स नहीं हो पाते हैं तो वो पहले किसी चीज़ का सपोर्ट लेके पुशअप कर सकते हैं, जैसे वॉल पुशअप्स, या आप किसी बेंच का सपोर्ट लेके कर सकते हैं. इसको करने से क्या होगा, आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी पुशअप्स के लिए. फिर आप 2 से 3 रेप्स लगा सकते हैं पुशअप के. स्टार्टिंग में पुशअप्स नहीं लग पाते इतने, तो आप 2 या 3 रेप्स या जितने भी आप से हो पाते हैं उसके 3 सेट करें और डेली लिमिट को इंक्रीज करें और खुद को पुश करें ताकि यू कैन अचीव द मैक्सिमम रेप्स इन दिस एक्सरसाइज. सो द सेकेंड एक्सरसाइज विल बी द डिक्लाइन पुशअप्स. इसमें आपको एक रेज प्लेटफॉर्म चाहिए होगा. आप टेबल रख सकते हैं या किसी बेंच पे रख के कर सकते हैं. लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज के करने आपको 8 to 10 रेप्स. अगर ये नी होते हैं तो नी पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में. नी पुशअप्स कैसे करते हैं, नीज को फोल्ड करना है आपको और फिर पुशअप ट्राई करना है. जितना भी आपसे जाया जाता है तो स्टार्टिंग में ये ट्राई करें और जब ये होने लग जाए तो पुशअप्स, तो उसके बाद डिक्लाइन पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं. जो थर्ड एक्सरसाइज होगी चेस्ट के लिए विल बी अ वाइड ग्रिप पुशअप. इसमें आपको अपने हाथ शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा वाइड रखने हैं. जैसे ये है आपका शोल्डर डिस्टेंस, इससे आपको हैंड थोड़ी वाइड रखनी है. एक्सरसाइज के लगा सकते हैं आप 10 to 12 रेप्स. इससे क्या होगा, आपकी चेस्ट को वाइड करने में बहुत हेल्प करेगी एक्सरसाइज. और जो फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज है इस वर्कआउट की विल बी लेटरल पुशअप्स. सो लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज. इसमें आपका एक हैंड वाइड जाएगा और फेस की तरफ आपको पुशअप कर दो, फिर ये हाथ यहाँ पे. तो ऐसे करके आपको लगाने हैं इसके 10 to 12 रेप्स. और कई
कईयों को ये प्रॉब्लम आती है कि शोल्डर डिस्टेंस नहीं पता होता उन्हें, तो आप शोल्डर डिस्टेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं, अपनी एल्बो को रखें और यहाँ पे एक हाथ रखें और एल्बो के पास दूसरा, दिस इज अ शोल्डर डिस्टेंस। होप यू लाइक द वीडियो, सो कीप डूइंग वर्कआउट। आज अगर आप ज़्यादा ही बिजी हैं कुछ या टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड गिव 1 hour टू योर बॉडी एवरी डे। तो होप यू लाइक द एक्सरसाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर देना, अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर टुडे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।